नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपोस्टी। कंपोस्टी कैसे बनाई जाती है और ये हमारे पौधों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए पुराना वर्मी कंपोस्ट हो हमारे पास, या किचन वेस्ट हो, या फिर बिल्कुल जो पुराना जो हमारे पास काउडम होती है, पुराना सड़ा हुआ गोबर होता है ये हमारे पास। ये देखिए, ये हमें पुराना जो बिल्कुल काफ़ी पुराना, कम से कम एक साल पुराना सड़ा गोबर है। तो ये जितना पुराना गोबर होगा सड़ा हुआ, उसका जो हमें अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो उसका कंपोस्ट ये इसकी हमें बहुत अच्छे से हम इसको तैयार कर सकते हैं। और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अमृत का काम करता है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, या स्पेशली आपको अपने पौधे से फल या फूल नहीं मिल रहे हैं, आपका पौधा तो वैसे बड़ा है लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं लग रहे हैं, तो ये फर्टिलाइज़र एक जादुई तरीके से पौधों में काम करता है। और इसका यूज़ आप दो तरीके से कर सकते हैं, तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो हमने इसको क्या किया, इसको रख दिया है ढककर, और ढक के रखने के बाद इसको कम से कम एक हफ्ते के लिए हमने छायादार जगह पे इसको रख दिया है। और एक हफ्ते के बाद इसका रिज़ल्ट ये देखिए, ये कैसे इसमें देखिए, ये पुराना बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर है, तो देखिए कितने अच्छे से इसमें झाग झाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, और पानी का कलर भी इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये जो काउडंग है ये देखिए हाथ से छूने से, थोड़ा सा दबाने से ये फूट जा रही है। तो अब ये हमारा जो फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। अब हमें करना क्या है, इसको हमें छान लेना है। किसी कपड़े से हम कपड़ा ले लेंगे कोई, या जैसे भी आप इसको छन्नी से छानना चाहें, तो मेरे पास एक कपड़ा पड़ा है, इससे मैंने अब इसको हम छान लेंगे। और छानने के बाद आप इसका स्टोर करके अपने किसी बर्तन में, डब्बे में आप इसको स्टोर करके किसी अपना छायादार वगैरह जगह पे रख दीजिए, और आपको जब इसका यूज़ करना हो तो यूज़ कीजिए। ये आप 4 महीने 6 महीने इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और इसको कोई ख़राब हो, ये नहीं है कि ये कहीं ख़राब हो जाएगा। तो इसको स्टोर करके आप अपने पौधों में बहुत अच्छे से अपने पौधों की ग्रोथ में फ़ायदेमंद होगी, और अपने पौधों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको फर्टिलाइज़र को कर लिया है तैयार। बस कितना आसान तरीका है, आपको काउडंग लेनी है पुरानी, या वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट हो, उसको हफ्ते के लिए कम से कम भर के उसको कहीं पे छायादार जगह पे ढक के रख देना है। उसके बाद जब आप उसको छान लें किसी कपड़े से, और छानने के बाद इस फर्टिलाइज़र को आप कहीं भी अपना किसी बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं, और अपने पौधों के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब उसके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये उनके लिए। इसका नाम ही है कंपोस्टी, यानी कि जब भी हम भी लोग भी चाय पीते हैं तो कहते हैं कि चाय पीते हैं तो मूड फ्रेश हो जाएगा, तो ऐसे ही पौधे इससे बहुत फर्टिलाइज़र से खुश रहते हैं। तो इस टाइप से हमने अपना फर्टिलाइज़र लिक्विड ये तैयार कर लिया है। आपका पौधा इसको आपको पौधे के लिए यूज़ कैसे करना है अभी हम वो आपको बताएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा सैंपल के लिए हमने इसमें बचा लिया है, तो जैसे कि बिल्कुल डायरेक्टली पौधों में ना दें, इसमें ज़रूर थोड़ा पानी डाल लें। जैसे कि आप अभी, तो ये मैं तो सैंपल वीडियो के लिए दिखा रही हूँ आपको, ये तो जैसे मैंने थोड़ा सा बचा लिया, कम से कम 2 लीटर पानी ले लें, 2 लीटर पानी में ये 100-200 ग्राम हमने 300 ग्राम इसको डाल दिया, और डालने के बाद इसको हमें अपने पौधों में दे देना है। लेकिन उसके बाद भी पानी, पौधों के ऊपर से पानी देना ना भूलिए, क्योंकि ये हार्ड होती है, तो पानी ज़रूर दें पौधों को। अभी मैं इसमें डायरेक्टली ऐसे ही ऊपर से मैंने देखिए पानी मिला लिया, लेकिन अभी भी इसका कलर देखिए कितना डार्क है। तो इतना डार्क अपने पौधों में यूज़ अगर करते हैं इस टाइप से जैसे मैं डाल रही हूँ, तो आप उसके ऊपर पानी ज़रूर दें, तभी वो पौधों की जड़ों तक जाए और पौधों के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। देखिए, जैसे हमारी मिर्च है, मिर्च का पौधा है, देखिए कितनी अच्छी मिर्च की पौधा हमारा, ये हरी बिल्कुल एक मिर्च लगी हुई है, लेकिन अभी इसमें अच्छे से फ्रूटिंग मिर्चें नहीं आ रही हैं। तो अभी हम इसका इसमें यूज़ करेंगे तो हमारी मिर्चें बहुत अच्छे से इसमें मिर्ची आएंगी, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, कीड़े मरोड़िया, जो भी पत्तों में दिक्कतें होती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें हल्का से ज़रूर, जब हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो हमें इसका थोड़ा सा जो गुड़ाई ज़रूर करनी होती है पौधों की, ताकि पानी अंदर तक जो फर्टिलाइज़र है वो जाए। तो अभी हम इसका इसमें ऐसे यूज़ करेंगे, ये देखिए हल्का से इसको हमने खोद दिया है। खोदने के बाद बस
अब इसको हम फर्टिलाइज़र, इसका जो हमने लिक्विड हमारी कंपोस्ट टी बनी है इसको हम डाल देंगे, और डालने के बाद इसके ऊपर पानी भी दे देंगे। बस ये समझ लीजिए, आपको इस फर्टिलाइज़र को अगर आप डायरेक्टली इस टाइप से, जैसे मैं ये डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा ही पानी है, मतलब थोड़ा पानी और थोड़ा खाद है, तो इसमें आप इसको कम से कम महीने में एक बार यूज़ करें। और नहीं तो आप इसका एक तरीका और है, अभी मैं आपको बताऊँगी आगे। अगर इसको आप जैसे अपने पौधे में पानी डालते हैं तो उस टाइप से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपने, जैसे हमारे पास ये केन है पानी की, ये लगभग 4-5 लीटर की केन है, तो इसमें हमें 4-5 लीटर की केन है, तो इसमें कम से कम आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने ले लिया अपना, ये कंपोस्ट ही ले ली, आधा लीटर या 1.25 लीटर जो भी अंदाजे से ले लिया, और लगभग 4 लीटर पानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको डायरेक्टली पौधों में दे देंगे। इस वाले जो पानी ज़्यादा है, ये 4 लीटर पानी में आधा लीटर 1 लीटर जो भी हम ये फर्टिलाइज़र मिला के जो डालेंगे, इसको आप हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप इसको पौधों में यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये ठंडी खाद होती है, ठंडी होती है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी है कंपोस्टी, और गर्मियों के लिए भी इसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमें जो वैसी खाद होती है हमारी कंपोस्ट हार्ड वाली, तो वो थोड़ा गर्मियों में पौधों को प्रॉब्लम दे सकती है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे सबसे आसान लगता है, आप स्टोर करके एक बार बना के रख लीजिए, और ये 4-6 महीने तक ये कंपोस्टी हमारी ख़राब नहीं होती है, और बस पानी में मिलाया और इसको डायरेक्टली दे दिया, और इसका रिजल्ट आपको 10-15 दिन के अंदर आपको खुद ही दिखाई देगा कि पौधे कितने अच्छे से फल फूल रहे हैं, उनमें जिनमें फूल नहीं आ रहे उनमें फूल आएंगे। ये देखिए, आप इसका ये भी नहीं कि आप इसमें पौधे में मत दीजिए, उसमें मत दीजिए, आप जितने भी पौधे हैं लगभग आप हर पौधे में, ये देखिए मेरा आंवले का पौधा है और चंपा का पौधा है, इन सब में हल्का हल्का सा इनकी मिट्टी टाइट हो रही है, तो थोड़ी सी मैंने गुड़ाई कर दी है। ये देखिए, ये है मेरा चंपा का पौधा, बहुत बड़ा हो गया है ये, तो बस सब इसके ऊपर डायरेक्टली जैसे हमने पानी दिया है, पानी देते हैं पौधों को, ये देखिए हमने डाल दिया पानी बस, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, और हमारे पौधे इससे बिल्कुल फलेंगे फूलेंगे, उनके अंदर फंगस बीमारियां कीटाणु जो है नहीं लगेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय, धन्यवाद।